दिल्ली का दंगा हजारों घरों को उजाड़ गया। दंगाइयों ने इस कदर कोहराम मचाया कि लोग आज घर से बेघर हैं। दंगों के रूप में आया ये सैलाब कितनी ही जिंदगियों को लील गया। आलम यह है कि सड़कों और गलियों में मातम छाया हुआ है, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं, सब कुछ तो लूट गया। अब जाएं भी तो कहां जाएं? तमाम गाड़ियां, ऑटो, साइकिल, दुकान, मकान सब कुछ जल गया। मैं इस वक्त शेरपुर में खड़ा हूं और ये भजनपुर से काफ़ी नज़दीक है। भजनपुर में आपने देखा ये किस तरह तबाही मचाई गई है। अभी शेरपुर में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये तमाम ऑटो हैं जिनको दंगाइयों ने किस तरह से आग के हवाले किया है। ये नहीं सोचते हुए कि कल तक हम लोग सब साथ बैठते थे, खाते पीते थे, और आज एक दूसरे के प्रति इस तरह कट्टरता जो आई है, जैसे भी आई हो अलग बात है, लेकिन आज अब आप लोग अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, खुले में खड़े हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ करें नहीं करें, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों ने हमसे बात की, हमने उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि उनका सब कुछ तबाह हो गया है। NTI पॉकेट TV की पूरी टीम ये दुआ करती है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो, आम लोगों की ज़िंदगी में फिर से खुशहाली आए, जिंदगी जल्द ही पटरी पर लौटे और जिस तरह दिल्ली पहले गुलजार थी उसी तरह फिर से जल्द ही गुलजार हो। NTI पॉकेट TV के लिए जयराम की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।